नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नागालैंड के कोहिमा में यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निकाली गई पीस एंजल रैली का हुआ समापन। उच्च शिक्षा एवं आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री तेमजन इमना हुए शामिल। दिल्ली के मजलिस पाक सेवा केंद्र पर पुनः निर्माणधीन भवन का हुआ उद्घाटन। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रिजमोहन और ORC की निर्देशिका बी के आशा की गरिमामय उपस्थिति से माहौल हुआ खुशनुमा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस और ब्रह्मकुमारीज ने मिलकर चलाया नशा मुक्ति अभियान। स्कूली बच्चों को किया नशे के दुष्प्रभावों से सचेत। हरियाणा के कई शहरों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत कई सम्मेलन। ब्रह्मकुमारीज ने लगाई गीता ज्ञान पर आधारित चित्र प्रदर्शनी। कई गणमान्य लोगों ने किया अवलोकन। और श्रीलंका के गाले सेंटर पर सूदिंग द माइंड थीम पर गेट टुगेदर। राजयोग मेडिटेशन के बारे में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। नागालैंड के कोहिमा शहर में यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा निकाली गई पीस एंजल रैली के समापन अवसर पर उच्च शिक्षा एवं आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री तेमजन इमना हुए शामिल और उन्होंने ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि राजयोग मेडिटेशन समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आगे बी के रूपा ने सभी को ब्रह्मकुमारी संस्था का विस्तार से परिचय दिया। राजधानी दिल्ली के मजलिस पार्क सेंटर के पुनः निर्माण भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रिजमोहन, गुरुग्राम ORC के निदेशिका बी के आशा, बी के विजय, बी के चक्रधारी समेत कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। उद्घाटन का शुभारंभ बच्चों के सुंदर नृत्य द्वारा किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये भवन भविष्य में हजारों लाखों लोगों के लिए शांति का केंद्र बनेगा। इस कार्यक्रम में MCD के चेयरमैन नवीन त्यागी, निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, सद्भावना पत्रिका के संपादक भूपेंद्र जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां बी के सदस्यों ने उनको ईश्वरी सौगात देकर उनका मान बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस और ब्रह्मकुमारीज द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय में नवा बिहान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सरगुजा पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, सरगुजा संभाग की प्रभारी बी के विद्या मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बी के विद्या ने सदा नशे से दूर रहने और आंतरिक विकास करने के लिए रोजाना कुछ समय के लिए मेडिटेशन करने का सुझाव दिया। आपको बता दें, पुलिस और ब्रह्मकुमारी संस्था आगे भी अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। हरियाणा के रोहतक में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मकुमारी संस्था ने गीता ज्ञान पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई, जिसका अवलोकन करने हरियाणा सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, ADC महेंद्र पाल समेत सैकड़ों लोग पहुंचे। इस दौरान बी के बहनों ने लोगों को आत्मा का वास्तविक परिचय और राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी दी। ऐसे ही चरखी दादरी में भी लगी चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट, विधायक सोमवीर सांगवान, बबीता फोगाट, उपायुक्त प्रदीप गोदरा समेत कई चर्चित लोग पहुंचे, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रेमलता ने प्रदर्शनी समझाते हुए कहा कि गीता का मूल सार है स्वयं को अहिंसक और बुराइयों से मुक्त बनाना। इसी क्रम में सोनीपत पर भी सेक्टर 15 की बी के प्रमोद, बी के सुनीता ने चित्र प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में आए अभी तक हजारों लोगों को बी के सदस्यों ने गीता का वास्तविक ज्ञान देते हुए परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। आपको बता दें, राज्य सरकार हर साल गीता जयंती प्रोग्राम का आयोजन करती रहती है, जिसमें संस्था अहम भूमिका निभाती है। अडानी विल्मय पराग पर आयोजित कार्यक्रम में संस्था के एडमिन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के हरीश, मुंद्रा सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुशीला समेत अडानी विल्मय पराग पर का सीनियर मैनेजमेंट मौजूद रहा।
बीके सदस्यों ने उपस्थित मेंबर्स को आध्यात्मिकता का महत्व बताते हुए कई तरह की एक्सरसाइज एवं एक्टिविटीज कराई, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। ऐसे ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके हरीश, बीके अमोद एवं HPCL के जनरल मैनेजर सतीश नायर समेत कई कार्यकारी सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, इस पर चर्चा करते हुए राजयोग मेडिटेशन को जीवन के लिए बेहद आवश्यक बताया। लोधी रोड सेवा केंद्र ने 76वीं साप्ताहिक ई संगोष्ठी का आयोजन किया। गीता जयंती के उपलक्ष में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय रहा गीता ज्ञान जीवन का संविधान। इस ऑनलाइन संगोष्ठी में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, हरियाणा के मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक श्री प्रकाश मिश्र, कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा, लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा समेत प्रबुद्ध वक्ताओं ने वर्तमान समय में श्रीमद् भगवद् गीता के महत्व को रेखांकित किया। अब खबर एक नजर में। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूबाई पटेल से की रीवा सेवा केंद्र की बीके बहनों ने मुलाकात। महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर भेंट की ईश्वरी सौगात। बीके बहनों ने राज्यपाल मंगूबाई पटेल को दी संस्था की सेवाओं की जानकारी। MP के रीवा सेवा केंद्र पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। स्कूली शिक्षा में द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन के महत्व पर कार्यशाला। विभिन्न विद्यालयों के संचालक एवं प्राचार्य रहे उपस्थित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट सौरभ कौशल, जिन्होंने तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया प्रोत्साहित। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शहीद जनरल रावत समेत सभी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन एवं कैंडल जलाकर किया शहीदों को याद। दिल्ली के ज्योति नगर स्थित गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी विषय पर सेशन आयोजित। छज्जूपुर सेवा केंद्र एवं संस्था के यूथ विंग प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया सेशन। इस सेशन में BEd स्टूडेंट्स एवं टीचर्स ने लिया भाग। बीके बहनों ने शिक्षा के क्षेत्र में वैल्यूज के महत्व पर की चर्चा। कॉलेज के प्रिंसिपल नीरज प्रिया ने की संस्था के कार्यों की सराहना। वेस्ट बंगाल के कलिमपोंग के जेल में आध्यात्मिक कार्यक्रम। 70 कैदी भाइयों को बताया दिव्य गुणों की धारणा से होगा जीवन सफल। राजयोग मेडिटेशन पर खिंचवाया ध्यान। बीके बहनों ने कैदियों को बांटे गर्म कपड़े, कंबल एवं आध्यात्मिक साहित्य। राजिम के नवापारा में सेवा केंद्र द्वारा सुखी जीवन पर कार्यक्रम। इंदौर के बीके नारायण ने सिखाई सुखी जीवन जीने की कला। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने उपस्थित लोगों को बताया सच्ची खुशी का राज। छतरपुर सेवा केंद्र का NCC अधिकारियों ने किया अवलोकन। बीके रीना ने अधिकारियों को समझाई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने अधिकारियों को दी मासिक पत्रिका। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए किया आमंत्रित। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा ग्राम सिंहपुर में स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम। बीके सीता ने बच्चों को मेमोरी पावर बढ़ाने के दिए टिप्स। रात्रि के बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का दिया सुझाव। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। श्रीलंका के गाले सेंटर पर सूदिंग द माइंड थीम पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहनों ने मौजूदा लोगों को राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बताते हुए गॉडली मैसेज दिया। इस मौके पर बीके बहनों ने सभी से बात कर उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।